आपने बहन जी का नाम लिया, इस देश में बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं, बहुत सारी महिला ऐसी हैं जो अपने विचारों को, अपनी बातों को आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो फिर बहन कुमारी मायावती को ही उन्होंने क्यों चुना एक प्रधानमंत्री बनाने के लिए? देखिए, ये जैसा मैं जिक्र कर रहा था, ये 77 की बात है। 77 का मतलब ये हो गया कि अब से 42 साल पहले, जी अब से 42 साल पहले आपने बहन जी की का जो पूरा का पूरा लाइफ स्ट्रगल है उसमें देखें कि 77 से वो माननीय कांशीराम साहब के आंदोलन के साथ जुड़े और उस आंदोलन में आने के बाद लगभग अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। आप कह रहे हैं कि बहन जी को क्यों चुना, मैं मुझे लगता है कि एक हर एक ऐतिहासिक घटना के पीछे कोई ना कोई एक छोटी घटना छुपी होती है। बहन जी का जो भारतीय राजनीति पे छाने का जो एक मुकाम है उसके पीछे 77 में एक मावलंकर हॉल के अंदर कोई सेमिनार हो रहा था, वहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा था, एक वक्ता उस समय पे बार बार सड़ विकास के लिए या जिनको कुछ लोग दलित कहते हैं उनके लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, तो बहन जी का जब बहन जी को भी वहाँ पे एक वक्ता के रूप में शायद बुलाया गया था, तो उन्होंने उस जगह पे कहा कि जो लोग सड़ोटाइज के उद्धार की बात करते हैं और वो हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो वास्तव में उनके दुश्मन हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, हरिजन एक गाली के रूप में है। उस तेवर को देख के माननीय कांशीराम साहब को लगा कि ये जो लड़की है, उस समय पे बहन जी की उम्र 20-21 साल की रही होगी, उस समय पे बहन जी के तेवर देख के माननीय कांशीराम साहब ने उनको पहचाना और फिर उनके घर पे गए, फिर उनको समक मूवमेंट के लिए तैयार किया और उसी समय से बहन जी आंदोलन में लगी रही। मुझे लगता है कि एक लंबा समय बहन जी ने इस आंदोलन को दिया है, इस और अपनी मेहनत से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से वो आज इस मुकाम तक पहुँची है।